ये इम्पीरियल जो है ना HSR में जूडियो है ना, जूडियो के ठीक सामने ही है, ठीक सामने ही है। किसको दिखाऊं? हाय हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जो भी हो जैसे भी हो जहाँ पर भी रहो बस खुश हो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहली बात मुझे ये बताओ मेरा नया हेयरस्टाइल, मेरा नया लुक कैसा लग रहा है? तो फाड़ू लग रहा है क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एक्चुअली आज ऑफिस है और इनसे मिलो, ये हमारे यश सर है, मेरे ऑफिस के मेरे दफ्तर के मित्र है, पहली बार मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो मैं तो डब्बा लेके नहीं आया, मेरा कुक नहीं आया और यश अपना डब्बा लेके नहीं आया, तो हम लोग इम्पीरियल रेस्टोरेंट आ रहे हैं, राइट? इम्पीरियल रेस्टोरेंट आए हैं और नॉनवेज बुफे खाने के लिए। सो बुफे हाउ मच वन, एक का कितना है? 366 विथ GST, अनलिमिटेड नॉनवेज और अनलिमिटेड वेज। 366 में आपको अनलिमिटेड वेज भी मिलेगा, अनलिमिटेड नॉन वेज भी मिलेगा। चलो गाइस, HSR वाला ब्रांच है इनका, तो या चलो अंदर जाके फटाफट बैरिंग करेंगे। तो भाई साहब चलो, यही है अपना मतलब इम्पीरियल रेस्टोरेंट, कितना क्लास लग रहा है देखो यार। सिटिंग एम्बियंस इज लाइक वाओ, सिटिंग एम्बियंस लिटरली इट्स यू नो लाइक बहुत ही क्लास, बहुत ही मस्त वाइब्स दे रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। एम्बियंस तो मतलब बहुत ही क्लास है, आप आराम से आपका फैमिली के साथ, आपका दोस्त लोग और आपके अगर ऑफिस का कुछ कलीग अगर पार्टी रहा तो आराम से आ सकते हो। तो फिर मैं ना आप लोग को पहले क्या क्या आइटम्स है वो सब बताऊँगा कि उनके पास पहले ना पेपर चिकन है, तंदूरी, ओके, देन कम्स बटर चिकन है, चिकन दम बिरयानी है, एग करी है, एंड हियर द वेज आइटम्स। वेज में नूडल्स है, वेज बिरयानी है, वेज कोल्हापुरी एंड आलू जीरा, ओके। रोज़ अपना घर में आलू गोभी यही बनाता है। तो या दिस अ फ्यू थिंग्स, फटाफट खाएंगे, खा के मैं बताऊंगा कि कैसा है टेस्ट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू एंजॉय जस्ट 3 आइटम्स, तो उसके बाद में आई डोंट लाइक यू नो एक ही साथ प्लेट में बहुत सारा खाना, आई डोंट लाइक इट, तो उसी लिए पहले लेट्स एंजॉय लिमिटेड थिंग्स। और यार फोक, थैंक यू। तो गाइस चिकन सूप और एक करी है और पेपर चिकन है, लेट्स स्टार्ट। यस सर ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, कैसा लगा टेस्ट? इज रियली गुड। तो गाइस एज अ ट्रेडिशन पहले सूप से अपन चालू करेंगे। गुड, थोड़ा सा स्पाइसी है, ब्लैक पेपर ज़्यादा डाले, बट या ओवरऑल इट्स गुड। नेक्स्ट थिंग लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल बाइट ऑफ एग। एग का ग्रेवी भी सही है ना, एग करी का ग्रेवी, राइट? इट्स गुड। नेक्स्ट कम्स अपना पेरी पेरी, सॉरी पेपर चिकन है ना, या पेपर चिकन ऑल्सो ओके। पेपर चिकन मुझे उतना खास नहीं लगा, टू बी फ्रैंक बोलने के, पेपर चिकन इज ओके। गाइस आप लोग को और एक ना और एक चीज़ हम लोग नोटिस किए यहाँ पे, ये जो पेपर चिकन है ना उसमें मीट से ज़्यादा बोन ही है, मतलब तो बहुत ज़्यादा चिकन में बहुत ज़्यादा बोन्स है। ये चीज़ यश ने भी नोटिस किया, व्हाट यू से यश? जो सच है बता, शर्मा मत, अब भी बोल रहा था ना सीरियसली, मीट से ज़्यादा मतलब बोन्स है। टेस्ट इज ओवरऑल गुड, नॉट नेक्स्ट लेवल, ओके गुड, खाने लायक है। तो गाइस अभी जाके मैं वही गोभी मंचूरी है, घर पे बहुत ज़्यादा बनाता है फिर भी एक पीस लिया हूँ सिर्फ टेस्ट करने के लिए। हुए आलू जीरा है और नान है, रोटी नान XYZ, और यहाँ पे है बटर चिकन सेम। चलो नाउ आई स्टार्ट विद द बटर चिकन, बटर चिकन का टेस्ट कैसा है? ग्रेवी, बटर चिकन का ग्रेवी मतलब क्रीमी
स्वीट ही रहता है क्या? दिस इज ऑल्सो सेम, ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं है, सेम. सो टू बी फ्रैंक इट्स गुड. या बस देखो क्या लग रहा है. What do you rate? Like good, excellent, amazing? हाँ शर्मा मत, जो भी है बोल ना उसमें. क्या क्लास में ऐसे शर्मा था क्या? बोल. बहुत ही शर्मा रहा है गाइस. चलो लेट्स स्टार्ट. टेक अ वन बाइट विद अ ग्रेवी. हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा. चिकन का क्वालिटी है ना और थोड़ा अच्छा रहना चाहिए था. मतलब चिकन का क्वालिटी इज़ ओके उतना एकदम ग्रेट भी नहीं है. जो मतलब वो चिकन का क्वालिटी रहता है ना उसमें थोड़ा सा फूड भी डिपेंड करता है. फूड इज़ लाइक गुड. चिकन का क्वालिटी और थोड़ा सा अच्छा रहता तो मतलब नेक्स्ट लेवल. या गुड. अभी जाके बिरयानी वगैरह एक्स वाई ज़ेड ट्राई करेंगे. तो गाइस अभी तंदूरी चिकन भी दिए हैं इन लोग. ओके ये ट्राई करेंगे. इसका क्वालिटी कैसा है मैं बताऊँगा आपको. तंदूरी का क्वालिटी गुड ना? तंदूरी का क्वालिटी सही है, एक नंबर लगा. जेन्युइनली तंदूरी का क्वालिटी इज गुड. लो भाई सबसे अच्छा, सबसे एक नंबर क्वालिटी जो चिकन का लगा हमको तंदूरी चिकन लगा था. और वो ही लिमिटेड है, सिर्फ दो ही पीसेस मिलता है, बाकी का तो सब सेम ही है, वही है. और केरला पराठा भी है. यू डू हैव केरला पराठा. केरला पराठा चिकन का ग्रेवी, एग ग्रेवी और अपना तंदूरी चिकन. तो बहुत ही मतलब लिमिटेड है सब चीज़ों में. सब चीज़ों में मुझे सबसे मज़ा सिर्फ वो केरला पराठा और चिकन में बटर चिकन का ग्रेवी है ना, ये खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे. बहुत ही मज़ा केरला पराठा और बटर चिकन का ग्रेवी, नेक्स्ट लेवल. बाकी का बस इतना ही था आइटम्स और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं. आइसक्रीम वगैरह तो नहीं है ऐसा लगता है, देखेंगे लेट्स सी. बस या बिरयानी एक आइटम बाकी है, बिरयानी भी खाना है मुझे. बिरयानी खा के मैं बताऊंगा कि कैसा है. यस गाइस, तो गाइस इट्स टाइम फॉर सम बिरयानी. कम ऑन बिरयानी. ओके नॉट बैड, सही है. ज़्यादा मतलब मसाला वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल है, मिनिमलिस्टिक है. ज़्यादा मसाला ज़्यादा सब कुछ. भाई साहब क्या पेट भर के खाना खाया मैं और यश ने. तो आपको एक जेन्युइनली एक हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा मैं. ओके 350-400 के प्राइस अराउंड है ना, अराउंड 350-400 के आसपास में कितना सारे आइटम्स इन लोग दे रहे हैं ना, दैट्स गुड. ओके हर जगह नॉनवेज का बफे इज़ लाइक 600-700 के ऊपर ही है, उसके नीचे तो कुछ है नहीं सच बोलने के लिए. तो मतलब चिकन का क्वालिटी और थोड़ा अच्छा रहना चाहिए था, बस उतना ही. वो छोड़ के बाकी सब बढ़िया था, एवरीथिंग वाज ग्रेट गाइस. तो अगर आप लोग, इफ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, आप लोग नए हैं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो. अगर आप इंपीरियल का खाना ऑलरेडी टेस्ट किया हो तो फटाफट आपको पता है ना क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपको कैसा लगा. बस इतना है गाइस, हमेशा खुश रहना और ज़रूर मेरा हेयर स्टाइल, ये नया लुक के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. बहुत ही जल्दी एक नया ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मैं विद स्पेशल पीपल, मज़ा आएगा.